हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल. और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मालवेसी फैमिली. मालवेसी फैमिली के जो जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं उन्हीं पे ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाई हुई है. अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं मालवेसी फैमिली की तो वो मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं. बट उसमें से भी जो करेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी के, उसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती जाए. और मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेके आते रहती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी. आप 9th के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, मास्टर्स लेवल के हैं, या फिर कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. सो डेफिनेटली ये चैनल आप लोगों के लिए ही है. आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ ना कुछ आप लोग डेफिनेट सीख के ही जाएंगे मेरे चैनल के थ्रू, मेरी वीडियोस के थ्रू. आई गारंटी दिस. और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. देखो, फर्स्ट स्लाइड में मैंने ये लिखा हुआ है कि जो पॉइंट आपको याद रखने हैं मालवेसी फैमिली से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर अबाउट मालवेसी फैमिली. मालवेसी फैमिली को हम कॉमन लैंग्वेज में हिबिस्कस फैमिली भी बोलते हैं. ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर सबने देखा होगा. तो जो जिस फैमिली में हिबिस्कस का फ्लावर, कॉटन का फ्लावर, लेडी फिंगर का जो प्लांट होते हैं वो आते हैं, उसको हम मालवेसी फैमिली बोलते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल से अगर आप लोग समझना चाहें तो मालवेसी फैमिली कौन सी फैमिली है जिसमें हिबिस्कस आता है, जिसमें लेडी फिंगर आती है, जिसमें कॉटन का प्लांट आता है, वो ही मालवेसी फैमिली के मेंबर है. ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हमें देखने को मिलती है उसमें से सबसे पहली कंडीशन है द स्टेमेन इज मोनोथिकस. स्टेमेन कैसे होते हैं? मोनोथिकस होते हैं, मोनो एडल्फस होते हैं. कंडीशन हमें मोनो एडल्फस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है. बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है कि मोनो एडल्फस कंडीशन हमें मालवेसी फैमिली में देखने को मिलती है. मोनो एडल्फस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टेमेन के फिलामेंट होते हैं वो सारे फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं किसमें, सॉरी, एक कॉमन स्टोमिनल ट्यूब में. सारे फिलामेंट फ्यूज होके कॉमन स्टोमिनल ट्यूब बनाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन. विथ डायग्राम मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को समझाऊंगी. सेकेंड जो है, सेकेंड कंडीशन जो हमें देखने को मिलती है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमें इसमें देखने को मिलता है वो है प्रेजेंस ऑफ स्टीलेट हेयर्स ऑन स्टेम. आपको स्टेम में स्टीलेट हेयर देखने को मिलेंगे. ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ मालवेसी फैमिली. थर्ड अगर हम देखें तो इसमें हमें म्यूसिलेजिनियस सैक देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, राइट. फिर फोर्थ अगर हम पॉइंट देखें तो इसमें हमें इपिकैलिक्स की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है. फ्लावर्स में इपिकैलिक्स प्रेजेंट होंगे और इपिकैलिक्स का नंबर कितना होगा, 6 to 9. ओके, फिर नेक्स्ट जो कंडीशन हमें, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का वो ये है कि इसमें पेटल जो होते हैं वो इपी पेटलस कंडीशन हमें देखने को मिलती है. यानी कि पेटल जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं स्टेमिनल ट्यूब से. जो स्टेमिनल ट्यूब हमें या मोनोएडल्फस कंडीशन के टाइम पे देखने को मिली थी, उसी तरीके से यहाँ पे पेटल उस स्टेमिनल कॉमन स्टेमिनल ट्यूब के साथ फ्यूज्ड होंगे. अब इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. ओके, सो देखो स्टार्ट करते हैं. अब हम सबसे पहली कंडीशन जो हमने देखी थी वो थी जो स्टेमेन होंगे वो कैसे होंगे, मोनोथिकस स्टेमेन होंगे और मोनो एडल्फस कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, राइट. यही बोला था हमने. तो मोनोथिकस स्टेमेन का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल ये मोनोथिकस एंथर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, नॉट स्टेमेन नहीं होगा, मोनोथिकस एंथर. ये हमारा एंथर होते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला पार्ट नीचे फिलामेंट वाला होता है. तो ये हो गया हमारा एंथर और ये हो गया हमारा फिलामेंट, राइट. और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एंथर और फिलामेंट मिलके बनाते हैं स्टेमेन.
तो ये जो एंथर होंगे ये मोनोथिकस होंगे, यानी कि इनमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, ये बाइलोब्ड ट्राइलोब्ड नहीं होंगे, इसमें सिर्फ एक ही लोब प्रेजेंट होगा, ठीक है, और उसके अंदर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम बोलते हैं मोनोथिकस एंथर। ये जो ये है ये कैसा है, मोनोथिकस है, इसमें कोई लोब्ड नहीं है, एक ही लोब प्रेजेंट है, ठीक है। और मोनो एडल्फस कंडीशन क्या होती है, जैसे आपने जो हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, तो उसमें हमें ऐसे ऊपर से ये देखने को मिलता है कि ये सारे जो हमारे स्टेमेन हैं, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलके हम स्टेमेन बोलते हैं, ये सारे स्टेमेन क्या होते हैं, एक कॉमन स्टेमिनल ट्यूब में फ्यूज हो जाता है, ये कॉमन स्टेमिनल ट्यूब है, इसको हम बोलेंगे क्या, कॉमन स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब, ये सब मिलके एक कॉमन स्टेमिनल ट्यूब में यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे और एक ऐसी कंडीशन में, एक ऐसे तरीके में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। और इसके फिर यहाँ पे क्या लगे होंगे, हमारे जो भी पेटल्स होते हैं वो लगे होते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनो एडल्फस कंडीशन, दिस कंडीशन इज नोन एज मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन में बस यही हमें पता होना चाहिए कि जितने भी स्टेमेन होते हैं वो सब एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और एक कॉमन स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, मोनो एडल्फस फिर कंडीशन, जो नेक्स्ट राइट। करेक्टरिस्टिक फीचर है अब वो है नेक्स्ट पॉइंट देखते प्रेजेंस ऑफ हैं, स्टीलेट हेयर्स ऑन स्टेम। अब स्टेम में स्टीलेट हेयर प्रेजेंट होते हैं वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर हमारा स्टेम है तो इस स्टेम में स्टीलेट हेयर, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलते हैं स्टीलेट हेयर्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का कि इसमें जो स्टेम होती है उसमें स्टीलेट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप अगर कॉमनली भिंडी का पौधा अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको छोटे छोटे से हेयर्स उसके स्टेम में देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको किसी भी प्लांट के स्टेम में ये देखने को मिलता है तो वो करेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का। और नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजेनियस सैक ऑन द स्टेम। अगर हम किसी भी प्लांट से प्लांट की स्टेम से अगर उसकी लीफ को डिटैच करते हैं, ठीक है, या फिर उसकी छोटा सा स्टेम है वहाँ पे फ्लावर है या फ्रूट है, किसी को भी मेन एक्सिस से डिटैच करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें एक लिक्विड सा सब्सटेंस देखने को मिलता है। तो वो लिक्विड सब्सटेंस क्या है, म्यूसिलेज है। वो इसीलिए वहाँ पे से सिक्रीट होता है क्योंकि स्टेम में डिफरेंट बहुत सारी म्यूसिलेजिनियस सैक प्रेजेंट होते हैं जो कंटिन्यूसली सिक्रीशन करते हैं म्यूसिलेज का। ठीक है, तो म्यूसिलेजिनियस सैक करेक्टरिस्टिक फीचर है कौन सी फैमिली का, मालवेसी फैमिली का। अगर आप भिंडी को भी अपने उसके प्लांट से, भिंडी का जो फ्रूट होता है उसको प्लांट से तोड़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें म्यूसिलेज का सिक्रेशन देखने को मिलता है। हिबिस्कस का फ्लावर अगर आप तोड़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें म्यूसिलेज का सिक्रेशन देखने को मिलता है। सो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें मालवेसी फैमिली का तो वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ इपिकैलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। अब इपिकैलिक्स जो होते हैं वो उनका नंबर 6 to 9 वेरी कर सकता है। इपिकैलिक्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये जो सेपल के नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको हम कैलेक्स बोलते हैं। ये देखने में ऐसा लगता है कि सेपल ही है बट ये सेपल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, इपिकैलिक्स होते हैं। क्या इपिकैलिक्स होंगे, देन कैलिक्स होगा, देन कोरोला होगा, और कोरोला को हम पेटल भी बोलते हैं और कैलिक्स को हम सेपल भी बोलते हैं। तो इपिकैलिक्स जो होंगे सेपल से अलग होंगे और अलग से हमें उसका स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इपिकैलिक्स हमें देखने को मिलते हैं कौन सी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में। अगर आप लेडी फिंगर का फ्रूट भी लेते हैं तो उसमें भी हमें इपिकैलिक्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और सबसे कॉमनली अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर ले लें तो उसमें आपको क्लियर कट हमें मालवेसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिल जाएगा कि उसमें म्यूसिलेजिनस सैक भी होगा प्रेजेंट, जिसमें से म्यूसिलेज सिक्रीट हो रहा होगा, और उसमें इपिकैलिक्स भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है इपीपेटलस कंडीशन। इपीपेटलस कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या होता है, इपीपेटलस कंडीशन का मतलब जो पेटल्स होते हैं वो पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं किसके
किसके साथ? जो कॉमन स्टेमिनल ट्यूब थी उसके साथ ये पेटल क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटलस कंडीशन, यानी कि पेटल्स आर फ्यूज्ड विद द वॉल ऑफ कॉमन स्टेमिनल ट्यूब। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखेंगे। सी वन मोर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मालवेसी फैमिली इज दैट यहाँ पे करेक्टरिस्टिक टाइप का फ्रूट भी हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं लोक्यूली सिडल कैप्सूल। ठीक है, ये भी मालवेसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है। जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ मालवेसी फैमिली वो ये है, जो मालवेसी फैमिली में फ्लावर्स होते हैं, मालवेसी फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जो मेल मेल एंड फीमेल फ्लावर्स क्या होंगे, एक ही मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट ऑन अ सेम फ्लावर, एक सेम फ्लावर में हमें मेल पार्ट भी देखने को मिलेगा और फीमेल पार्ट भी देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और इसको हम दिखाते कैसे हैं, ऐसे, ये साइन है हर्माफ्रोडाइट दिखाने का, यानी कि इस तरीके से मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों एक ही साथ प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, जो फ्लावर है वो है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। ठीक है, और इसकी जो ओवरी होती है उसकी कंडीशन होती है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी, ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। ठीक है, जो भी ओवरी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो थैलेमस होगा और डिस्क वाला पार्ट होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, ओवरी उन सबके ऊपर होगी, तो इसे हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। ठीक है, इसके ऊपर से स्टाइल होगा और ये है सुपीरियर ओवरी, और हम इसको बोल सकते हैं क्या, हाइपोगाइनस कंडीशन ऑफ द ओवरी। और फ्लावर कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है और ब्रैक्टिएट, और फ्लावर में क्या प्रेजेंट होंगे, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे। राइट, और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम देखें इस फैमिली का, तो एक करेक्टरिस्टिक टाइप का स्टाइल की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे ये फ्लावर का जो आप यहाँ पे भी इमेज में देख सकते हैं, ये करेक्टरिस्टिक टाइप का स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक टाइप का स्टाइल देखने को मिल रहा है, यहाँ करेक्टरिस्टिक टाइप का स्टाइल, यानी कि स्टाइल जो होता है ये करेक्टरिस्टिक टाइप का स्टाइल देखने को मिल रहा है। तो जो स्टाइल होता है ना वो बायफेट, ट्राईफेट, टेट्राफेट, पेंटाफेट ऐसे करके अलग अलग फिट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक टाइप का हमें स्टाइल देखने को मिलता है। ये कंडीशन आप देख सकते हैं इमेज में, ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 पेंटाफिट हमें स्टाइल देखने को मिल रहा है। तो स्टाइल की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही करेक्टरिस्टिक टाइप की मानी जाती है, किसके केस में, मालवेसी फैमिली के जितने भी मेंबर है उनके केस में। ये वाला स्टाइल भी आप देख सकते हैं, तो ये भी आपको ऐसे करके दिख रहे हैं ये, तो ये सब क्या है, स्टाइल की कंडीशन है या फिर करेक्टरिस्टिक टाइप के स्टाइल देखने को मिलते हैं, किसमें, मालवेसी फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं उनमें। और जो लास्ट करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंस ऑफ स्टिप्यूल्स ऑन लीफ, लीफ के बेस पे हमें स्टिप्यूल्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारी लीफ, ये पूरा लीफ है, ये लीफ का पार्ट है पूरा। ठीक है, ये पूरी लीफ है, इसके ये जो पिटियोल है इसके बेस पे हमें ये देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। इसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि जो लीफ है वो स्टिपुलेट है, लीफ जो है वो स्टिपुलेट है या फिर ई स्टिपुलेट है। ई स्टिपुलेट का मतलब कि स्टिप्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। जिस भी प्लांट में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगे उस लीफ को हम बोलेंगे स्टिपुलेट लीफ, जिसमें स्टिप्यूल्स एब्सेंट होंगे उस प्लांट को हम बोलेंगे उस प्लांट में ई स्टिपुलेट लीफ। जब हम लीफ के कैरेक्टर लिखेंगे तभी भी हम ये बोल सकते हैं स्टिपुलेट लीफ या फिर ई स्टिपुलेट लीफ। ठीक है, स्टिप्यूल्स क्या होता है वो पता चल गया ना आपको, जो लीफ होती है उसके बेस में पिटियोल के पिटियोल जहाँ पे से अटैच होता है वहां पे जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर का हेयरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। राइट,
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए नीचे मुझे आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, या आप कुछ अपनी तरफ से कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई वर्ड पे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए मुझे भी, और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।